किसान वीरों, सत श्री अकाल। मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फिर से फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। किसान वीरों, जो हमारे पशुपालक वीरों द्वारा एक छोटी छोटी गलतियाँ कर दी जाती हैं जिनके कारण हमारे पशु जेर नहीं डालते या जेर बहुत लेट डालते हैं, उनसे हमारे पशुपालक वीरों का बहुत नुकसान होता है। मैं आपको कुछ ऐसे देसी तरीके बताऊँगा जिनसे आपके पशु जेर बिल्कुल सही तरीके से डालेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। चलो किसान वीरो, शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से जरूर देखें क्योंकि मैं पूरी जानकारी विद डिटेल दूंगा। जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। पशुपालक वीरो, आप पहले जो देसी इलाज है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो कुदरत का नियम है पहले उसको जान लें। कुछ किसान वीर ये सोचते हैं कि हमें पहले पशु को जेर डालने दें, उसके बाद हम पशु की धार निकालेंगे और बच्चे को दूध बाद में पिलाएंगे, जो कि एक मूर्खतापूर्ण बात है। आप पशु को जैसे ही आधा घंटा हो जाए पशु की डिलीवरी को, उसके बाद पशु को खड़ा करें और उसकी जो बच्चे को दूध पिलाएं और उसके बाद जो दूध बचता है उसको निकाल लें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जब बच्चा दूध पीता है तो गाय के, भैंस के, पशु के दिमाग में एक रेशा गिरता है जिसके कारण बच्चेदानी में हरकत होती है। हरकत होने के बाद ऑटोमेटिकली जेर बाहर आ जाती है, जो कि एक कुदरती प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इसी को फॉलो करें, इसमें कोई भी कोताही ना करें, आपकी जेर आराम से डल जाएगी। पशुपालक वीरो, जो कि आपको सबसे ज़रूरी बात पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको जो मैं देसी फार्मूले बताऊंगा और कोई भी आपको इस्तेमाल करने हैं फार्मूले, वो आप डिलीवरी के यानी कि पशु के ब्याने के 8 घंटे बाद तक इस्तेमाल करने हैं। अगर 8 घंटे हो चुके हैं तो आप अपने डॉक्टर को, आपका वेटरनरी डॉक्टर होता है, उसको बुला लें, नहीं खतरा हो सकता है इसमें। सबसे पहले और सबसे मशहूर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जेर डलवाने के लिए, पशु को ताकत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हमें काढ़ा देना होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप पिछली वीडियो आई बटन में जाके देख सकते हैं। पशुपालक वीरो, जो सबसे अच्छा और सबसे सटीक है, सबसे अच्छा फार्मूला है जो देसी है, उसमें सबसे पहले आता है निसादर। पशुपालक वीरो, जो निसादर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चा जाने की इन्फेक्शन को ठीक करता है। नंबर दो बात, जो ब्लड का पीएच लेवल होता है उसको ये अच्छा कर देता है और जो रोगाणु होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है और जिसके कारण जेर बहुत अच्छी डल जाती है। पशुपालक वीरो, जो नंबर 3 पे जो देसी फार्मूला है ये बिल्कुल आसान है, इसको आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आटा लें, गुड़ लें, सौंफ लें, इलायची लें, जीरा लें। इसको आप मिक्सचर बना के आपके पशु के जो घास होता है उसके ऊपर डाल दें। इससे पशु को बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी जिसके कारण पशु के बच्चादानी में हरकत होगी और जेर आसानी से बाहर आएगी। पशुपालक वीरो, जो हमारा चौथा फार्मूला है, इसके लिए आपको गुलूकंद लेना है और मखाने लेने हैं। इसमें आपको जो हमारा घी होता है वो डालकर पशु को देना है। इससे पशु को बहुत सारी ऊर्जा मिलती है जिससे कि कारण पशु आसानी से अपनी जेर डाल देता है। वीरो, जो हमारा पांचवा तरीका है ये बहुत आसान है, इसको भी आप कर सकते हैं। एक तो आपको सरसों का तेल लेना है और दूसरा नमक लेना है और अजवाइन लेना है। इसका घोल तैयार करके आपको पशु को अच्छे से मालिश कर देनी है। इससे किसान वीरो ये होगा, जब आप उसके ऊपर मालिश करेंगे तो उसके अंदर हरकत होगी, बच्चादानी के अंदर हरकत होगी और पशु की जेर आसानी से बाहर आ जाएगी। वीरो, मैं आपको जो फॉर्मूले बताए हैं ये आपको 8 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेने हैं। अगर आपको 8 घंटे तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को बुला लें अपने। किसान वीरो, जो मैंने आपको आज फॉर्मूले बताए हैं ये बहुत सारे किसान वीरो द्वारा अपनाए जा रहे हैं और किसान वीरो, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं, तो मैंने आपको ऐसे नहीं बताए। तो आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें और किसान वीरो, आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको अगले टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए और जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसी पे कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आ रहे हैं। और घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि बहुत से किसान कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। अगर किसान वीरो, आपके पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पशुपालन से रिलेटेड ग्रुप है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि आप तक किस किसान वीर की आपसे मदद हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स है हमारे हरजिंदर वीर जी का, जो कि जिमीदारा डेयरी फार्म से हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय किसान, जय हिंद।